नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने प्रसिद्ध कवयित्री कश्मीरी भाषा की जो लोकप्रिय कवयित्री हैं ललित दत्त के कृतित्व और व्यक्तित्व को जाना, और हमने जाना कि वो वाक शैली में उनके जो लिखे गए वाक हैं उनका अनुवाद हमें पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आज हम ललित दत्त के वाक पढ़ेंगे। यहाँ ललित दत्त के चार वाक दिए गए हैं। प्रथम वाक से शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। हम शब्दार्थ भी साथ साथ देखते जाएंगे बच्चों। देखिए, भवसागर, भवसागर मतलब होता है संसार रूपी भवसागर। सकोरे शब्द आया है, सकोरे, सकोरे होते हैं मिट्टी के जो पात्र होते हैं, कुल्हड़ वो। और व्यर्थ, हम सबको पता है व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। प्रयास मतलब कोशिश। हूक होती है तड़प या दर्द, जो बहुत दर्द भरी आवाज़ होती है उसको हम हूक कहते हैं। तो देखिए, इस प्रथम वाक में ललित दत्त जी ने, जो कि एक प्रकार से उनके वाक का ही अनुवाद है, इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए जो प्रयास, उनकी व्यर्थता और बाहर आडंबर आदि पर, व्यर्थता पर ही विशेष रूप से दृष्टिपात किया है। ललित दत्त कहती है कि जीवन जो है कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है, कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खेर रही हूँ, न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना कब सुनेगा, जाने कब मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कि न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना कब सुनेगा, करे देव भव सागर पार, और कब इस संसार रूपी सागर से पार लगा देगा, अर्थात मुक्ति दे सकेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, अर्थात उसमें से पानी न टपके रुका रहे, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ रहता है। कहने का मतलब यह है कि कवयित्री कहती है कि उसके मन में रह रह करके तड़प या दर्द उठता रहता है, और इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की उसे इच्छा हो रही है। तो कह यहाँ कवयित्री कहना न होगा, ईश्वर से मिलन के लिए आतुर है, लेकिन उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका पूर्ण फल उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, और यही उनके लिए चिंतित होने वाली या उनकी चिंता की बात है। अब द्वितीय वाक देखिए। खा खा कर कुछ खाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बाहरी आडंबरों का और माया मोह के से मुक्ति का संदेश हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अहंकारी मतलब, ये देखिए शब्द देखिए, अहंकारी मतलब घमंडी। सम होता है इंद्रियों का शमन, शम जिसे हम कहेंगे। संभावी होता है समानता की जो भावना रखते हैं उसके लिए है संभावी शब्द, और सांकल होती है एक तरह से जंजीर। कवयित्री ललित दत्त कहती हैं कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ खाएगा नहीं, कि हे मनुष्य इन सांसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो, इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। खा खा कर कुछ खाएगा नहीं मतलब इन विषय वासनाओं को भोग करके तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। समखा तभी होगा संभावी, लेकिन भोगों को पूरी तरह से त्यागना भी नहीं है, हमें क्या रखना है, सम खाना है, शमन करना है इंद्रियों का, और संभावी होना है। संभावी मतलब समानता की भावना रखनी है, कि ना तो बहुत ज़्यादा भोग में ही लिप्त रहना है, ना ही त्याग, अपितु भोग और त्याग के बीच उचित संतुलन रखते हुए जीना है, इंद्रियों पर उचित संयम रख कर के जी। इसी संशय की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो सकेगा।
अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना होगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। धन्यवाद।